Hello students of class 12. आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस में ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. इसमें लिखा है द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स. द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम. ये रोज ही बना है, हम रोज को क्या बना देंगे कॉलम, या हम कॉलम को क्या बना देंगे रो. इंटरचेंजिंग द रोज एंड कॉलम ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स. इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज और ए टी. डैश से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं और ए टी से भी. तो अगर आप रोज को कॉलम में बदल दो या कॉलम को किसको बदल दो रोज में, तो जो मैट्रिक्स कहलाती है वो क्या कहलाती है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. जैसे कि एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे एक मैट्रिक्स हमारे पास ये है 1 3 5 7 2 9 6 8 3. इसका हमने ट्रांसपोज कर, तो ट्रांसपोज में क्या करेंगे जो हमारी रो है वो कॉलम बन जाएगी 1 3 6 5 7 8 2 9 3. ऑर्डर इसका 3/3 था, तो इसका ऑर्डर भी कितना रहा 3/3 क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स. ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर कितना था 2 रोज़ 3 कॉलम 2/3. ट्रांसपोज करने के बाद इसका ऑर्डर कितना आ गया 3 रोज़ 2 कॉलम. इसका ऑर्डर कितना आ गया 3/3. तो क्या कहलाई आपकी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद उसके कुछ कंसेप्ट समझ लेते हैं. जैसे इसमें पहला कंसेप्ट है किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज करोगे आप तो वापसी क्या जाएगा आपके पास किया है. जैसे सिंपली मैट्रिक्स है कि मैंने इसका आपने ट्रांसपोज करा, इसका भी आप दोबारा से ट्रांसपोज कर दो. जब इसका भी दोबारा ट्रांसपोज कर दोगे तो जो रो है वो आपसी क्या बन जाएगी कॉलम्स बन जाएंगे. तो किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज करने के बाद दोबारा से अगर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास क्या मैट्रिक्स आ जाएगी ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगी जो आपको देगा. नेक्स्ट कंसेप्ट है ए इंटू ए मैट्रिक्स का होल ट्रांसपोज कितना आ जाएगा के इंटू ए ट्रांसपोज. के कॉमन आ जाएगा. अगर किसी मैट्रिक्स को कोई मल्टीपल में कॉमन है, जैसे हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करती है मैट्रिक्स में, उसमें से 2 कॉमन निकालेंगे तो उसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए. जैसे हमने यहाँ पे 2 की मल्टीप्लाई करी इस मैट्रिक्स में, तो ये आपका कितना आ जाएगा ये 2a आ जाएगा आपका 2 6 12 10 14 16 4 18 6. इसका ट्रांसपोज कर लो 2a का ट्रांसपोज, इस पूरे का ट्रांसपोज हो जाएगा 2 6 12 10 14 16 4 8 6. सबसे पहले इसका ट्रांसपोज करो तो याद आएगा आपके पास 2 10 4 6 14 और 18 12 16 और 6. इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा तो बचेगा 1 5 2 3 7 9 6 8 3. इसको वापसी क्या लिख सकते हैं हम ए ट्रांसपोज. तो इसका मतलब कि 2a का जो होल ट्रांसपोज था वो किसके इक्वल आ गया 2a ट्रांसपोज के. अगर आप देखते हैं यहाँ पे 2 कॉमन है, क्या जाएगा आपके पास 1 5 2 3 7 9 6 8 3. ये आ गया 2 इंटू 8 हो गया. 2a का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया 2a ट्रांसपोज. मैंने आपको बताया कि ए का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है के इनटू ए ट्रांसपोज. ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी. नेक्स्ट है
ए प्लस बी का फोर ट्रांसपोज, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करो और उसका ट्रांसपोज कर दो तो आपसे क्या मिलता है आपको ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, दो मैट्रिक्स को उसको ऐड करो उसका ट्रांसपोज करो, ये पहले इन दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके ऐड कर दो तो आंसर क्या आता है सेम आता है, एक मैच बन सकता है ए बी का होल ट्रांसपोज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ट्रांसपोज रिवर्स होता है, सो दो मैट्रिक्स लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हो, हम एक्सरसाइज में करेंगे, ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल आता है बी ट्रांसपोज देन ए ट्रांसपोज, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की। नेक्स्ट इसमें आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो स्क्वायर मैट्रिक्स की होती है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी इज to be symmetric matrix if A transpose equals to कितना होगा A, अगर किसी का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A transpose equals to A, जैसे एक मैट्रिक्स हमें A की वैल्यू पे एग्जांपल समझते हैं, स्क्वायर टू बाय टू इसका ट्रांसपोज करते हैं, क्या जगह का नंबर रूट टू कॉलम को बना दिया सीमा क्या इसको मैं ऐसे लिख गया 1 रूट 2 ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया ए, तो इसके मैट्रिक्स को कैसे मैट्रिक्स बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक आते हैं आपके स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, skew symmetric matrix if A transpose equals to minus, अगर A transpose किसके इक्वल आ जाए minus A, जैसे कि एग्जांपल लिया हमने पर A 0 0 minus इसका ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा तो ए जीरो कितना आएगा, इस रो को हमने कॉलम में बदल दिया, इस रो को कॉलम में और इस रो को भी कॉलम में, इससे से माइनस कॉमन हो गया, एग्जाम्पल लेते हैं इसका ए इक्वल्स टू जीरो फाइव माइनस फाइव, ए ट्रांसपोज किया कितना आएगा आपके जीरो माइनस फाइव फाइव, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं चार जगह जीरो फाइव माइनस फाइव, ए ट्रांसपोज इक्वल टू कितना है वापसी माइनस ए के इक्वल आ गया ए ट्रांसपोज, देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपका प्रिंसिपल डायगोनल है वो जीरो होना चाहिए, यहाँ पे वैल्यू आपकी कैसी होनी चाहिए तभी आपकी मैट्रिक्स जो होती है कैसी होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपको मैट्रिक्स लेकिन जिसने हमने ट्रांसपोज किया जीरो माइनस फाइव और ये कितना आ गया रो को हमने कॉलम में बदला इस रो को कॉलम में बदला फिर माइनस कॉमन किया जीरो ऐसे बदला फाइव प्लस का हो गया माइनस का ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल आ गया देयरफॉर इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स,
मैंने आपको आज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स सिखाया, इसके कंसेप्ट सिखाए और क्या सिखाया, इस मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, किसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइव सिक्स और सेवन, एक्सरसाइज फाइव की क्वेश्चन नंबर वन, एक मैट्रिक्स गिवन है टू माइनस थ्री माइनस फाइव जीरो सेवन माइनस टू, हमें वेरीफाई करना है कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आएगा, किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापसी क्या आएगा, क्या है इस मैट्रिक्स, एक आप ट्रांसपोज करते हैं जो आ जाएगा हमारे पास टू माइनस थ्री फाइव जीरो सेवन और माइनस टू, उसका दोबारा से ट्रांसपोज कर दो, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, तो ये आएगा आपके पास टू माइनस थ्री फाइव जीरो सेवन और माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आगे वापस सकते हैं, हो गया वेरीफाई, सिंपली ए गिवन था उसका ट्रांसपोज किया तो इसका ऑर्डर पहले कितना था टू बाई थ्री, ऑर्डर थ्री बाई टू हो गया, जो रोती वो कॉलम हो गया, फिर इसका ऑर्डर टू बाई थ्री था तो थ्री बाई टू था तो कितना हो गया टू बाई थ्री, जो रो क्यू कॉलम होंगे, बट ये ओरिजिनल मैट्रिक्स के इक्वल है, तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज आपसे कितना आ गया, उनसे क्वेश्चन हो गया आपका ये क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव में हमें शो करना है ए गिवन है शो दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए 4158 a plus a transpose कॉमन सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करना है, इसको हम थोड़ी देर के लिए b मान लेते हैं, a ट्रांसपोज करें रो कॉलम में चेंज रहेंगे 4158 a plus a ट्रांसपोज करते हैं 4 plus 4 8 1 plus 5 6 फाइव प्लस वन सिक्स एट प्लस एट सिक्सटीन ब्लैटेड भी बी मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज करेंगे ये आएगा आपके पास एट रो कॉलम रो कॉलम, बी ट्रांसपोज वापसी किसके इक्वल है बी के, देयरफॉर ए प्लस ई ट्रांसपोज इसका सिमेट्रिक। ए गिवन था ए का ट्रांसपोज करा ए प्लस ए ट्रांसपोज करा ऐड करा ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने बी मान लिया, हमें चेक करना है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं, इसका ट्रांसपोज निकला सेम आ गया, दैट्स व्हाई बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और बी को हमने कैसे सेलेक्ट करा था ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, इजी है कंसेप्ट ये तो, सिक्स में कह रहा है ए गिवन है आपका थ्री माइनस टू वन माइनस ए माइनस बी डैश स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में होता है आपका ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए, हमें ए गिवन है ए का ट्रांसपोज करते हैं, ए का ट्रांसपोज आएगा थ्री वन माइनस फोर माइनस, ए ट्रांसपोज करा तो माइनस कॉमन निकल गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज करें थ्री माइनस थ्री जीरो माइनस फोर माइनस वन माइनस के फाइव वन माइनस फोर प्लस के फाइव माइनस वन प्लस वन जीरो, इसको हम बी मान लेते
ई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं कितना आएगा, जीरो, फाइव माइनस फाइव जीरो, माइनस कॉमन निकालते हैं, बी ट्रांसपोज माइनस कॉमन निकालेंगे तो आएगा आपका जीरो माइनस फाइव फाइव और जीरो। आगे सी मैट्रिक्स इक्वल बी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस, देयरफॉर ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए माइनस ए ट्रांसपोज कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए गिवन था, ए ट्रांसपोज किया, रो को कॉलम में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, उसको बी लेट कर लिया, बी का बी ट्रांसपोज जो इक्वल आ गया, माइनस कॉमन निकाला, बी ट्रांसपोज माइनस बी के इक्वल है, देयरफॉर कैस सिमेट्रिक्स है, ए माइनस ए कैस इज टू सिमेट्रिक्स। क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन में कह रहा है शो दैट मैट्रिक्स ए हमें गिवन है जीरो ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होती है जब उसका ट्रांसपोज उसके माइनस के इक्वल हो जाता है, ए ट्रांसपोज कर दे क्या आ जाएगा आपका जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस सी बी सी जीरो, ई ट्रांसपोज माइनस कॉमन निकालते हैं क्या आ जाएगा जीरो, ए बी माइनस ए जीरो सी माइनस बी माइनस सी और ए ट्रांसपोज माइनस ए, देयरफॉर ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आपको आज सारे कंसेप्ट समझ में और सेवेंथ क्वेश्चन तक आपसे हो जाएगा, उसके बाद कर देंगे करेंगे, अभी आपको एक से फाइव भी करता। थैंक यू।